दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है लेट्स टॉक, जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो आज के लेट्स टॉक वीडियो सीरीज के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, लेट्स फाइंड इट आउट। सो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है पलायन। यस फ्रेंड्स, आपने ये शब्द आजकल न्यूज़ चैनल में बहुत बार सुना होगा। हम सबको पता है कि इंडिया में एक महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन का फेज चल रहा है, पर इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा अगर किसी को लॉस हुआ है तो वो है हमारे देश के मजदूर। ऐसा लग रहा है कि ये मजदूर नहीं पर मजबूर है इस हालात में कुछ कर ना सकने से, मजबूर है राजनीति के दावपेच में फंसने से। जब से इंडिया में लॉकडाउन इम्पोज हुआ है तब से मजदूरों का पलायन यानी एक राज्य से दूसरे राज्य अपने घर जाने की खबरें हम रोज सुन रहे हैं। मजदूरों का पलायन का सबसे बड़ा कारण है उनकी रोजी रोटी बंद हो जाना, उनकी आमदनी बंद हो जाना। इसके कारण हमारे देश के जो मजदूर हैं वो सबसे सुरक्षित ठिकाना यानी अपने घर जाना चाहते हैं, पर अचानक से लगाए हुए इस लॉकडाउन से देश में लाखों मजदूर अपने घर से दूर अपनी कर्मभूमि पर ही फंस गए। अब इस सिचुएशन में हम किसकी गलती ढूंढे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिन्होंने अचानक से लॉकडाउन अनाउंस किया, स्टेट गवर्नमेंट की जो अपने राज्य में काम करने वाले मजदूरों को बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर पाए, या फिर उन मजदूरों की जो गवर्नमेंट के मना करने के बावजूद भी अपने घर जाने लगे। इन सब में सबसे बड़ी गलती अपने देश के यूथ की है, क्योंकि हमारे देश का यंग जनरेशन लेबर माइग्रेशन यानी मजदूरों के पलायन के अहम मुद्दे को भूल के वो बिजी है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जैसे टॉपिक पे। जितना इंटरेस्ट हमारी यंग जनरेशन ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जैसे मुद्दे में ले रही है, अगर इतना ही इंटरेस्ट हम देश के ऐसे ही कई अहम मुद्दों में लेते तो शायद आज कितने मजदूर को अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती। सो गाइस, जैसे हम सब अपने घर पे बैठे हैं, हम कहते हैं स्टे एट होम स्टे सेफ, तो क्या हमें नहीं लगता कि ये जो मजदूर है उनको भी अपने घर पे रहना चाहिए, उनको भी वहाँ पे सेफ रहना चाहिए। गलती हम किसी की भी हो पर इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश का ही हो रहा है। सो गाइस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में आपके क्या सजेशंस है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपको लगता है कि मजदूरों का पलायन ये एक अहम मुद्दा है और हमें कुछ करना चाहिए, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स पे नए नए वीडियो मिलते रहे। सो गाइस, मैं मिलूँगा आपको अगली बार ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।